माइक्रोमैक्स ने नया फ़ोन को लॉन्च किया है, माइक्रोमैक्स इन वन। अब इस फ़ोन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या मार्केट में इससे अच्छे के ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं अंडर 10,000 की, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है, ये गारंटी मैं देता हूँ। बट आपके मन में एक और ख्याल होता होगा कि जब 9,999 का 4+64 GB का जो वेरियंट है वो इसका मिलता है 9999 का, और वहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट वन और आता है इनकी तरफ से, उसका जो वेरिएंट है 4+64 का वो मिलता है 10999, और कुछ ऑफर्स में वो आपको कभी कभी 10500 और 10300 तक का मिल जाता है। देन व्हाई शुड यू गो विद इट, आपको नोट वन की तरफ जाना चाहिए या फिर माइक्रोमैक्स इन वन की तरफ जाना चाहिए, एक बड़ा सवाल है आपके माइंड में जरूर आया होगा। इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे माइक्रोमैक्स के इन वन सीरीज़ का। माइक्रोमैक्स इन वन को इन्होंने एक इंडिया का ब्लॉकबस्टर कहा है, और असल में अंडर 10,000 इसकी प्राइस है। वैसे तो 10,499 है, लेकिन अभी क्या है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है। फर्स्ट सेल को 26 मार्च को फर्स्ट सेल को जो भी लोग फ़ोन ऑर्डर करेंगे, 4+64 का जो प्राइस है उनके लिए 9999 है, और 6+128 का 11499 है। वैसे 11999 और 10,499 ये प्राइस उनकी रखी गई है। बट अगर हम बात करते हैं इसके अलावा उन फोन की, माइक्रोमैक्स इन नोट वन की, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है 4+64 10999 का, यानी कि सिर्फ 500 रुपये महंगा है। बट आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं इसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले लगभग आपको सेम मिलती है, सामने नोच वगैरह नहीं मिलती क्योंकि और कंपनी नोच प्रोवाइड कर रही है इस प्राइस में। यहाँ पर आपको पंचोल मिलती है, और ऐसा नहीं है कि HD+ में कॉस्ट कटिंग कर दी होगी, डिस्प्ले भी आपको फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में देखने के लिए मिलती है। बात आती है कैमरा की, कैमरा में कॉस्ट कटिंग की गई है, एक अल्ट्रा वाइड को रिमूव कर दिया गया है और 48 MP का मेन सेंसर दिया है, 2 और 2 MP के डेप्थ और मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर 500 रुपये आपको कम पे करने पड़ रहे हैं और आपको अल्ट्रा वाइड को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बात करते हैं सेल्फी की, 16 MP नोट वन में है और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है केवल 8 MP की। तो 8 MP की सेल्फी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इस प्राइस में मेरे ख्याल से अगर आप 16 से 8 पर आ जाते हैं तो काफ़ी फ़र्क दिख जाता है इमेज क्वालिटी में भी। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, और मेरे ख्याल से आपका मन अब तक बदल चुका होगा और माइक्रोमैक्स इन नोट वन की तरफ ही जाने वाला होगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, मीडियाटेक का हीलियो G85 इन नोट वन में है और G80 हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। लिटरली बताऊं तो G80 और G85 में कोई फ़र्क नहीं है, एक हल्का सा ओवरक्लॉक्ड वर्जन है G80 का, जहां पर GPU की जो क्लॉक स्पीड है वो 950 MHz से 1 GHz कर दी गई है। तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस, नॉर्मल यूजेस आपको लगभग सेम टू सेम दिखेंगे, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाला, आई एम श्योर अबाउट इट। बैटरी 5000 mAh की मिलती है और 18 वाट का ही चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आप 2 डे बैटरी लाइफ आराम से एंजॉय कर पाओगे। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज सेम, और ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 10,500 रुपये में आपको ये मिलेगा और 10,999 में आपको माइक्रोमैक्स इन नोट वन मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आपको उसकी तरफ ही जाना बेटर होगा क्योंकि वहाँ पर आपको 16 MP की सेल्फी और एक अल्ट्रा वाइड का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है। बाकी मुझे समझ नहीं आया कि इस फ़ोन को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी, सिमिलर थे बिल्कुल, प्राइस वगैरह भी लगभग 500 रुपये का फ़र्क है। ऐसा हो सकता था कि 9999 इसकी कन्फर्म्ड प्राइस हो जाती तो ये बेटर हो सकता था, 1000 रुपीज़ डाउन हो जाता तो ये बेटर हो सकता था, बट सिर्फ फर्स्ट सेल के लिए 10,000 रुपये प्राइस है, बाकी 10,499 का बिकने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है माइक्रोमैक्स इन नोट वन ही, आप उसकी तरफ ही जाइएगा। माइक्रोमैक्स इन वन की तरफ जाना मेरे लिए और आप सभी के लिए, किसी के लिए भी अच्छा पॉइंट नहीं है, आपको सेल्फी का मिल जाएगी और एक अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी आपके हाथ से जा रहा है। तो गाइस उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि माइक्रोमैक्स इन वन माइक्रोमैक्स इन नोट वन के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है, और बाकी वैसे अगर देखा जाए और कंपनी के कंपैरिजन में तो माइक्रोमैक्स इन वन काफ़ी कमाल का फ़ोन है, आप इस तरफ भी जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट सिर्फ 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा डालने से आपको एक अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है और 8 MP की सेल्फी एक्स्ट्रा मिल जाती है, यानी कि सेल्फी आपकी 16 MP की हो जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, बाकी आप बताना क्या है आपके ओपिनियन, आप किस फोन की तरफ जाना चाहोगे, माइक्रोमैक्स इन वन या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट वन, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना अपने ओपिनियंस को। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।